20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 और 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी, बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। राउंड प्लस 2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। मुमरा कौसा में भी की गई तनाव फैलाने की कोशिश। मित्तल MMLE रोड पर झंडे लगे बाइक सवार युवकों ने की आपत्तिजनक धार्मिक नारेबाजी। स्थानीय लोगों से हुई झड़प, मुमरा पुलिस ने लिया हिरासत। रवि कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 22 जनवरी राम मंदिर का उद्घाटन या रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, इसे उग्रता से या बेहद अपने आप को दूसरों पर अपना धर्म भी साथ में लेकर के कैसे थोपा जा रहा है, तो अलग अलग उदाहरण, अलग अलग घटनाएं सामने आ रही है। हर जगह जो है जबरदस्ती की जा रही है। ऐसी ही घटना जैसे अंधेरी है, मीरा रोड है, मीरा रोड में 2 दिन से 21 और 22 जनवरी 2 दिन से तनाव चला। अंधेरी में मिल्लत नगर में कोशिश की गई, पनवेल में भी उससे पहले कोशिश हुई, और भी कई जगहों की छुटपुट घटनाओं की खबरें हैं। उसी तरह से मोमरा कौसा में भी 22 जनवरी को एक प्रयास जो है कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी सोच के युवकों ने किया। लगभग 4 बाइकों पर सवार ये 8 युवक भगवे झंडे लेकर के मित्तल MMLE रोड से गुजर रहे थे, और उस दौरान अक्सर मित्तल MMLE रोड पर शाम 3-4 बजे के बाद जो है टहलने वालों का, घूमने फिरने वालों का, या शहर से बीच से गुजरने की बजाय सीधा वहां से निकलने वालों का सिलसिला बढ़ जाता है। अच्छी खासी भीड़ थी, और बताया ऐसा जा रहा है कि ये सभी युवक जो है ये सुकून हाइट्स के पास जो है, सुकून हाइट्स कॉम्प्लेक्स जो है, वहां पर अपनी बाइकें रेसिंग करते हुए आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहे थे। तो लोगों ने इन्हें रोक करके समझाना चाहा तो इन्होंने वहां से भाग निकले। उसके बाद ये अमीनाबाद की तरफ बढ़े हैं, जिस तरफ शिया कब्रिस्तान पड़ता है, तो वहां से निकल करके ये अमीनाबाद तरफ पहुंचे हैं। इनमें से कई बाइक सवार फरार हो गए, इक्का दुक्का वहां से निकले तो लोगों ने पकड़ लिया है, और आप स्थानीय युवकों के साथ इनकी झड़प भी हुई है, मारपीट भी हुई है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद मुमरा पुलिस ने फौरन इस पर छानबीन शुरू करते हुए 3 युवकों को हिरासत में लिया है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे देर रात तक अन्य युवकों को भी हिरासत में लिया गया। वहीं देर रात तक कुल 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस ने ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए इस मामले में बताया कि घटना घटी है और इस मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। माहौल बिगाड़ने के चलते इन युवकों पर, बाइक सवार झंडे लगे बाइक सवार युवकों पर भी कार्रवाई होगी, और उनके साथ जो मारपीट की गई है उस मामले में मारपीट करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। मगर देर रात तक इस मामले में विधायक जितेंद्र आवाड़ पहुंचे थे, और इसमें समझौते का मामला चल रहा था कि माफी वगैरह करा करके इस मामले को खत्म कर दिया जाए, और उस तरह से पुलिस से विधायक जितेंद्र आवाड़ ने आग्रह भी किया था, क्योंकि पुलिस द्वारा पकड़े गए 8 इन युवकों में 4 नाबालिग हैं, और जिंदगी भर के लिए जो है फिर दाग लग जाएगा पुलिस केस का। इसके तहत इस तरीके की यहां पर बातें चल रही थी। जब तक ये खबर हम आप तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे, तब तक का ये पूरा अपडेट था। अरे ले 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 आगे ले आगे ले आगे ले आगे ले ले आओ।